इस वक्त इंटरनेट पर एक वीडियो वायरल है कोर कमांडर हाउस जिसको बाद में दरियाफ़त किया गया नौ मई के बाद हम लोगों को पता चला कि ये कोर कमांडर हाउस नहीं बल्कि जिना हाउस है एक सियासी जमात ने वहाँ पर पुरतद वाक़ हुए कुछ सब कुछ टी वी पर आया सोशल मीडिया पर हमने देखा वायरल था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों की, की जानब से वहाँ पर जो मचाया गया जो हंगामे किए गए और फिर उसकी जो मजम्मतों का सिलसिला चलता रहा वो अभी तक ख़त्म नहीं हुआ अभी एक शख्स की वीडियो वायरल हुई वो दाढ़ी वाले अंकल हैं मौलाना साहब है वो वहाँ पे जाते हैं और कोर कमांडर हाउस में बड़े जज्बाती मनाजर है कि जनाब मैं जूते उतार कर इस कोर कमांडर हाउस में जाऊँगा वो जाते भी जूते उतार कर अंदर है और वहाँ पर जाकर जो टाइल्स है जो टूटी फूटी टाइल्स है उनको उठा कर चूमते हैं उनकी दीवारों को चूमते हैं कि यहाँ पर शहदा का खून लगा हुआ है और बहुत ही जज्बाती वीडियो रिलीज़ की गई है अक्लमंदों की जानब से ये तासर देने की कोशिश की गई है कि अवाम के जज्बात जो है वो बहुत ही बुलंद है और वो समझते हैं कि शहदा के साथ जो जाती हुई है हम उसको माफ़ नहीं करेंगे अब इस वीडियो को मैं नहीं जानता कि किसकी की जानब से रिलीज़ किया गया है क्योंकि एक इतने अहम तरीन इम्पॉर्टेंट मकाम की कोर कमांडर हाउस की या जिना हाउस की वीडियो बिना अप्रूवल की जारी नहीं की जाती इसका डायरेक्टर इसका प्रोड्यूसर ये और जो भी था इस सारी जो फ़िल्म में शामिल था ये इंतहाई इंतहाई डफर किस्म के लोग हैं मतलब अपना तमाशा बनाया जा रहा है और मैं समझता हूँ इस वीडियो के जरिए पाक फ़ौज के इदारे की जो आई एस पी आर की बिलखसूस तजहीक की जा रही है सरेआम सरेआम तजहीक की जा रही है कि इतने भोंडे तरीके से इस बंदे को लॉन्च किया गया ये तो एक टाउट नुमा बंदा है कई मरतबा कई वीडियोस में इसको देखा है मैंने खुद उसको कभी कहता है कि नवाज़ शरीफ के जलसे में जाने से आपको जन्नत मिलेगी दिमागी तोज़ुन भी इस बेचारे का ठीक नहीं है और तो ये ऐसे ही अपने आप को मशहूर करने के लिए उल्टी सीधी हरकतें करता रहता है तो एक ऐसे शख्स को ऐसे अहम मकाम पर कैसे पहुँचाया गया कौन लेकर गया फिर किस तरह से उससे वहाँ पर ओवर एक्टिंग करवाई गई ये सारे के सारे जब आप देखेंगे ना इसके पीछे तो आपको यही बात समझ आएगी कि ये सिर्फ और सिर्फ पाक फौज का इदारा जो आई एस पी आर है और पूरी पाक फौज के इदारे के खिलाफ साजिश की गई है मजाक उड़ाया गया फौज का इतने कोई डफर लोगों को आपने वहाँ पर कैसे वहां पर पहुंचाया ये तो कल को उठकर कोई वहां पर टिक टॉकर्स जाकर ड्रामेबाजी शुरू कर दे तो क्या लोग क्या कहेंगे आपके बारे में तो इदारों की इज्जतें इन जैसे जो लोग हैं ना जो टाउड किस्म के लोग जो इनसे नहीं बनती आपने फिफ्थ जनरेशन वार देख लिया जो कुछ आपने तमाशा किया फिर आपको खुमियाजा भुगतना पड़ा अब आप ये वाली हरकतें कर रहे हैं कि एक टाउट नुमा लोगों को ला करवा पर जज्बाती वीडियोज़ बनवा रहे हैं चूम रहे हैं ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं ओवर एक्टिंग करवा रहे हैं तो इससे मजीद आपको नुकसान ही उठाना पड़ेगा इंतहाई इंतहाई मतलब ऐसे ऐसे किरदार को आप सामने लेके आए कि ये कई मरतबा इसको आप थोड़ा सा सर्च करेंगे ना इंटरनेट पे इसकी पाँच छः वीडियोस मिल जाएंगी आपको ये कभी नून लीग के सपोर्ट करता है कभी किसी जमात की कभी किसी मजहबी तहरीक की सपोर्ट करता है कभी तो फौजियों की एक्स्ट्रा ऑर्डनरी सपोर्ट शुरू कर देता है और कल कोर कमांडर हाउस के साथ जो मेरा ख्याल से अब कोर कमांडर हाउस के साथ जो कुछ हो चुका है मेरी एक सलाह है कि बस अब इतना बहुत है काफ़ी है आप आगे लेके जाएंगे तो इसका मज़ीद मजाक बनाया जाए गुरे शहदा के खून के साथ वाकई मजाक होगा तो इस चीज़ को रोकने की कोशिश करें वरना फिर टिकटॉकर्स की जो है एक पूरी की पूरी जो टीम्स है पूरे पूरे मुल्क बने हुए हैं इनके तो अपने वो तो सारे पहुंचना शुरू हो जाएंगे जो कुछ वहाँ पे करेंगे फिर दुनिया भी मजाक उड़ाएगी पता नहीं ये वीडियो मुझे नहीं समझ आती अगर हिंदुस्तान पहुँच गई हो तो वो वहाँ पर इससे साथ क्या कुछ करेंगे पाकिस्तान में जो कुछ हो चुकी है अभी इंटरनेट पर इस वीडियो के साथ इनके प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स जो इनके पीछे दिमाग बैठे हुए हैं ना उनके साथ जो हो चुकी है वो तो हमने देख ली लेकिन बचाएं अपनी इज्जत भी अपने शहदा का खून भी बचाएं प्लीज़ ऐसे काम मत करें इससे फौजी बदनाम होता है पाकिस्तान बदनाम होता है शहदा जो है उसका खून का जो हक़ है ना वो ठीक से हम समझते हैं कि अदा नहीं कर पाते उनके साथ हमकदारी करते हैं ऐसे ड्रामेबाजी करके ऐसे ड्रामेबाजों को ऐसे मकाम से दूर रखा जाए तो ये हम सब के लिए बेहतर होगा पाकिस्तान हमेशा ज़िंदाबाद